हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है FLN निपुण भारत मिशन। इसके तहत जो मॉड्यूल एक है वो है कौशलों और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया से परिचय। यह सभी शिक्षकों को करना है। इस मॉड्यूल में जो पहला नंबर क्विज है उसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्रश्न को आप देखिएगा, प्रश्नों का क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। कुल प्रश्न इसमें 11 हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह एक कक्षा का उदाहरण है। दिन की शुरुआत में शिक्षक बच्चों के साथ कुछ कविताएं गाते हैं, वह वर्णमाला का दोहराव करवाते हैं। इसके बाद भी ज़्यादातर गतिविधियों में शिक्षक ज़्यादा बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं। किसी कहानी के बाद अक्सर तथ्य आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और कुछ खास बातें बच्चों को जवाब देने के लिए कहा जाता है। बच्चे अक्सर बोर्ड से लिखित कार्य की कॉपी करते हैं। कक्षा में हर वक्त शांति रहे इसलिए बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करने की ज़्यादा छूट नहीं है। शिक्षक कुछ गलती होने पर बच्चों को डांट देते हैं इसलिए बच्चे शिक्षक से डरते भी हैं। आपके अनुसार इस कक्षा में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए? ऑप्शन है, बच्चों को ज़्यादा गृह कार्य देने की जरूरत है। कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए ताकि सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सके। बच्चों को अपने अनुभवों पर चर्चा करने और लेखन द्वारा अभिव्यक्ति के नियमित मौके देने चाहिए। कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों को स्वयं किताबें पढ़ने के मौके देने चाहिए। कुछ खास बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4। कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए ताकि सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सके। बच्चों को अपने अनुभवों पर चर्चा करने के और लेखन द्वारा अभिव्यक्ति के नियमित मौके देने चाहिए। कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों को स्वयं किताबें पढ़ने के मौके देने चाहिए। ये ऑप्शन सही होंगे। देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका मानती है कि अच्छा गणित करने के लिए बच्चों को जल्दी से जल्दी 50 तक गिनती और 10 तक पहाड़े याद कर लेने चाहिए, तभी वे गणित की संक्रियाएँ अच्छे से कर पाएंगे। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, गणित की अच्छी समझ के लिए जरूरी कौशल और तरीकों पर बात करेंगे, शिक्षिका के निर्णय को उचित कहेंगे, शिक्षिका से कहेंगे कि वह बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाए, शिक्षिका को गिनती और पहाड़ा याद करवाने के तरीकों पर सुझाव देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा, गणित की अच्छी समझ के लिए जरूरी कौशलों और तरीकों पर बात करेंगे। देखिए ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियों में बच्चे सीख रहे होंगे? ऑप्शन है, 4 साल का एक बच्चा कहानी की किताब में चित्रों को देखते हुए खुद से कहानी बना रहा है। एक बच्चा शिक्षक द्वारा बोर्ड पर हल किए गए सवालों को कॉपी में लिख रहा है। कुछ बच्चे पार्क में अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। कक्षा 2 के बच्चे एक साथी द्वारा बोर्ड से पढ़े जा रहे अंकों को दोहरा रहे हैं। कक्षा 1 के बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में बातचीत करते हुए अपनी कक्षा के लिए कुछ नियम बना रहे हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 और 5। पहला है, 4 साल का एक बच्चा कहानी की किताब के चित्रों को देखते हुए खुद से कहानी बना रहा है। तीसरा है, कुछ बच्चे पार्क में अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं। 5वां है, कक्षा 1 के बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन से बातचीत करते हुए अपनी कक्षा के लिए कुछ नियम बना रहे हैं। ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, बच्चों के सीखने के स्तर पर शिक्षण प्रक्रियाओं में संबंध नहीं है। कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की है। अकादमिक सहयोगकर्ता शिक्षकों को सहयोग देकर बदलाव ला सकते हैं। बदलाव के लिए शिक्षकों को कार्य योजना बनाकर देनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा, अकादमिक सहयोगकर्ता शिक्षकों को सहयोग देकर बदलाव ला सकते हैं। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन और बुनियादी कौशलों से जुड़े सही कथन चुनिए। ऑप्शन है, यदि बच्चे समय पर बुनियादी साक्षरता के कौशल हासिल न कर पाए तो आगे की कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण मददगार है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास शुरुआती 6 वर्ष में बहुत तेजी से होता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल न केवल अकादमिक सीखने बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। निपुण भारत मिशन कुछ राज्यों के लिए बनाया गया है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत में सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल प्राप्त कर सके। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 2, 3 और 5। देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन,
सीखने सिखाने की सामान्य प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के घर की भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में बातचीत के भरपूर अवसर देना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो सही आंसर होगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका मानती है कि बच्चों को ज़्यादा बोलने के मौके देंगे तो वह बहुत शोर करेंगे, वह पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है शिक्षिका से बातचीत कर उन्हें कक्षा में बातचीत का महत्व समझाएंगे, आप शिक्षिका की बात से सहमति दिखाएंगे, स्कूल में अनुशासन के प्रति सजगता के लिए शिक्षिका की तारीफ करेंगे, शिक्षिका से कहेंगे कि बच्चों की रोचक तरीके से पढ़ाएं। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षिका से बातचीत कर उन्हें कक्षा में बातचीत का महत्व समझाएंगे। देखिए ये सही हो गया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी संख्या ज्ञान से कौन से कौशल शामिल हैं? ऑप्शन है वस्तुओं, आकारों, अंकों आदि से बने विभिन्न पैटर्न समझना और बनाना। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान की वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर गौर करना व उनमें जरूरी सुधार लाना, बच्चों और शिक्षकों के साथ सख्ती से पेश आना, शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण व सहयोग देना, FLN मिशन के बारे में शिक्षकों में एक जैसी समझ विकसित करना। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों और शिक्षकों के साथ सख्ती से पेश आना। ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता में कौन से कौशल शामिल हैं? ऑप्शन है मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि बोध व डिकोडिंग, हिंदी और अंग्रेजी में निबंध लिखना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ना, लिखित रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करना। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। पहला है मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि बोध व डिकोडिंग, धारा प्रवाह रूप से पढ़ना, लिखित रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करना। इसमें एक ही है जो हिंदी और अंग्रेजी में निबंध लिखना, यह भी बुनियादी साक्षरता कौशल में शामिल नहीं है। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से जुड़े कौशल विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है। ऑप्शन है एक प्रभावी परीक्षा प्रणाली होना, कक्षा में सीखने सिखाने की प्रभावी प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री और TLM की उपलब्धता, बच्चों के माता पिता का साक्षर होना। तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा में सीखने सिखाने की प्रभावी प्रक्रिया का प्रयोग करना। देखिए ये सही हो गया। देखिए यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चन दिए हैं, 11 में 11 सही आया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।